नया साल 2024 आने को कुछ ही समय बचे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने युवाओं को नए साल का तोहफा दिया है। यूपी में अब जल्द ही स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जाएंगे। जी हां, युवाओं को अगले साल 2024 के मार्च महीने के अंत तक सरकार से ये फोन और टैबलेट मिल जाएंगे। हालांकि इस योजना का लाभ कौन ले सकता है, एक फोन की क्या कीमत होगी, उसमें क्या फीचर्स हैं, आज बात आपके काम की में हम विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बता दें कि ये योजना क्या है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को डिजिटल रूप से सक्रिय बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। सरकार युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन बांटती है, ताकि वे टेक्नोलॉजी की दुनिया में और आगे बढ़ सकें। तो इस योजना का लाभ उन्हीं युवाओं को मिलेगा जो हायर एजुकेशन ले रहे हों, यानी कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल और नर्सिंग आदि की पढ़ाई कर रहे हों। इसके अलावा किसी शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पढ़ रहे छात्रों को भी फोन और टैबलेट पाने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं फीचर्स और कंपनियों की। तो सरकार की तरफ से मिलने वाले एक स्मार्टफोन की कीमत 9,972 रुपए है, और जो चार कंपनियां हैं जो इस फोन को बनाएंगी वे हैं विजन डिस्ट्रीब्यूशन, NF इंफ्राटेक सर्विसेज, सेलकॉन इम्पैक्स और इंस्टिंक्ट प्रोक्योरमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। सबसे जरूरी बात कि प्रदेश सरकार छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन उनके संबंधित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या फिर संस्थान के माध्यम से वितरित करेगी। इसके लिए आपको आवेदन करने की जरूरत नहीं है, पर हाँ, अगर आप भी लाभार्थी हैं तो अपने संस्थान में समय से रजिस्टर जरूर करा लीजिएगा।